माँ जी वो मुझे एक साड़ी लेनी है, बाहर साड़ी वाला आया हुआ है। हाँ तो मैं क्या करूँ? वो माँ जी उसके लिए थोड़े पैसे कम पड़ रहे हैं मेरे पास, तो आप दे दोगे? कितने? वो माँ जी बस 5। क्या बोले तुम? 5? अच्छा रुक, ये ले और ले आ साड़ी। माँ जी ये क्या है? 5 रुपए? तूने बोला था ना 5 रुपए कम पड़ रहे हैं। अरे माँ जी 5 रुपए नहीं, 5,000। क्या? हाँ चल भाग यहाँ से, आगे पटरानी 100 रुपए लेके 5,000 की साड़ी लेंगे। बहू आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर बोला अगर मन में कोई भड़ास हो तो निकाल लेनी चाहिए, नहीं तो इंसान जल्दी मर जाता है। बताओ तेरे मन में कोई भड़ास हो ना बहू तो निकाल दियो, मैं कुछ नहीं कहूँगी। नहीं मम्मी ऐसा तो कुछ नहीं है। अरे बहू नहीं, सच में मैं कुछ नहीं कहूँगी। अभी पता चलेगा। नागिन की तरह फन फैलाए सारा दिन मेरे सर पे बैठी रहती हो, नाम तो को पार्टी में देती हो, पार्टी तो दूर की बात, अगर हम कहीं घूमने का भी प्रोग्राम बनाए तो मैं भी चलूंगी साथ में, और मार्केट जाएंगे खुद तो जो मन करेगा वो ले लेंगी, और जैसे ही मैं बोलूंगी भड़ास है तो तुम मरे ना मरे मगर मेरे हाथों जरूर मर जाएगी। मम्मी आपने कहा था ना आप कुछ नहीं कहोगी, सॉरी मम्मी, मम्मी सॉरी मम्मी। मम्मी जी क्या आपने अभी थोड़ी देर पहले मेरी मम्मी से बात की थी? क्या बात कर रहे हो बाबू? करी थी, क्यों क्या हो गया? वो अभी मेरे भाई का फोन आया था और वो बोल रहा था कि जब से मम्मी ने तेरी सास से बात की तब से मम्मी बेहोश हो गई है। बताओ ऐसा क्या बोल दिया मम्मी जी आपने? बेटा मैं तो कुछ भी नहीं बोला, मैंने ये कहा था 15 तारीख से बच्चे की छुट्टियां पड़ रही है, तो वो नहीं करती, मैं 1 महीने के लिए अपनी मम्मी के पास जा रही हूँ मायके रहने के लिए, बस यही बात हुई थी हमारी। तो क्या ले आई है ये? यार दवाई लेके आई हूँ, तुम आजकल रोज क्वेश्चन आंसर पूछते हो ना, मेरे को एक भी आंसर नहीं आता। मैं डॉक्टर पास गई थी, मैंने उनको बताया क्या रहा दिमाग तेज करने की दवाइयाँ, ये वाली खा लो तो आराम आ जाएगा। घुटनों पे लगाने के लिए भी कुछ दिया है? घुटनों पे लगाने के लिए भी कुछ दिया है? खा गई? सच में खा गई? हे भगवान। अब पूछो, तू पागल हो गई है? अब पूछो। अरे छोड़ो, मैं नहीं पूछा। पूछो पूछो। मैं नहीं पूछा। पूछो। एक टेबल पे 60 कप पड़े हैं। एक टेबल पे 60 कप पड़े हैं, एक टूट गया, बता कितने बचे? एक टेबल पे 60 कप पड़े हैं, टूट गया तो 59 बचे। लगता है गोली का असर हो गया। पूरा पत्ता भी खा लेगी ना तब भी तेरा दिमाग ठीक नहीं हो सकता। बेटा 5 कप बचे, 5 कप। कैसे? एक टेबल पर 60 कप बचे हैं, 60 कप, 60 कप चाय वाले। एक टेबल पर 60 कप बचे हैं, 60, एक टूट गया तो 5 बचे ना। जोर का झटका है जोर। क्या हुआ है तुम्हें और ये क्या हालत बना के आ रहे हो तुम? वो आज पड़ोसन के सांप ने काट लिया था, उसी को बचाने के चक्कर में मेरी ये हालत हुई। तुमने पड़ोसन की जान बचाई, तुम कितने बहादुर हो। वैसे काटा कहाँ था पड़ोसन के सांप ने? उसके फूल की पंखुड़ी जैसे होठों पे। पूरा आधा घंटा लगा जहर को जड़ से निकाल के फेंकने में। लेकिन एक मिनट, ये तुम्हारी गर्दन पे कैसा निशान है? अरे वो तो उसने इनाम में। देखो फोन किसका आ रहा है। हेलो, क्या? अभी भेजती हूँ, जाओ जल्दी से पड़ोसन के वहाँ वापस जाओ। क्यों? अरे उसका हस्बैंड नहा रहा था और उसी सांप ने उसके हस्बैंड के भी काट लिया। कहाँ?